वेलकम टू श्री जी फूड। आज हम बनाएंगे चूरमा के लाड़ू। चूरमा के लाड़ू टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और रूटीन में जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसी से ये रेसिपी प्रिपेयर हो जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चूरमा के लाड़ू हम गणेश जी को भोग लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लाड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कोर्स व्हीट फ्लोर, ये मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है। अब 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून सूजी, 1/2 कप ऑयल और हल्का गुनगुना पानी। तो सबसे पहले हम इस गेहूं के आटे को एक बाउल में ले लेंगे। अब इसमें सूजी और बेसन ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल और आटा दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। आप इस तरह से बाइंड करके देखोगे तो ये बाइंड हो जाएगा, इतना तेल का मोइन हमें लेना है। अब हल्का गुनगुना पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे उंगलियों से ही मिक्स करना है। जितना भी आटा बना हुआ है उसमें से अब हम मुठिया प्रिपेयर करेंगे। हमें सारा आटा एक साथ नहीं बना लेना, इस तरह से टाइट प्रेस करते जाना है और मुठिया बनाना है इस तरह से। आपको अगर इस तरह से नहीं आता तो नॉर्मल जैसा हम लौकी का मुठिया बनाते हैं वैसा भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा आटा बनाते जाएंगे और इसी तरह के मुठिये बनाते जाएंगे। मैं सारे बना लेती हूँ। मैंने सारा मुठिया प्रिपेयर कर लिया है और मैंने 50 ml जितना पानी यूज़ किया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। हमें मुठिया फ्राई करने के लिए ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। अब इसे केयरफुली तेल में ऐड कर देंगे। अब इसे मीडियम गैस पे फ्राई करना है। मुठिया हैवी होता है तो कभी भी उसे हाइट से तेल में ऐड ना करें। हर 3-4 मिनट के बाद इसे पलटते रहेंगे और दोनों साइड से इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सारा मुठिया फ्राई कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका हम थोड़ा टुकड़ा कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये फटाफट ग्राइंड हो जाए। अब मैं मिक्सर का मीडियम साइज़ का जार लेके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मिक्सर में ग्राइंड करने से हमारा काम जल्दी हो जाता है। ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। हम गेहूँ छानने के लिए जो यूज़ करते हैं वही मैंने यूज़ किया है। अब ये भी जो टुकड़ा है वो हम नेक्स्ट टाइम में इसके साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे, तो ये रेडी है। अब ये मैंने रेडी जो बूरा मिलता है वही मैंने लिया है, इसे भी छान लेना है।
इसे निकाल लेना है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, काजू और द्राक्ष, इलायची और जायफल का पाउडर। पहले इसे मिक्स कर लें। बूरा ऐड करेंगे, मिक्स कर लेना है। आप इस टाइम पे स्वीटनेस चेक कर सकते हो। अब हम इसमें गरम घी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। घी, गेहूं का आटा और बूरा तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो जाए तब तक हमें घी ऐड करना है। आपको हाथ में जब इस तरह से बाइंड करके देखोगे तो ये बाइंड भी हो जाएगा और आपके हाथ में घी भी दिखेगा। तब तक हमें घी ऐड करना है। अब इसे टाइट दबाते जाएंगे और इस तरह से हम लाडू प्रिपेयर कर लेंगे। अभी मैं मीडियम साइज़ के लाडू बना रही हूँ, आप जो भी साइज़ के लाडू बनाना चाहे बना सकते हैं। इस तरह से आपको हाथ में घी दिखेगा। ये लाडू प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हमने जो खसखस ली है उसे प्लेट में ले लेंगे और इस तरह से लाड़ू को खसखस में कोट कर लेना है। फिर से इसे हाथ में इस तरह से रोल कर ले ताकि जो भी एक्स्ट्रा खसखस है वो निकल जाएगी। अब ये सारे लाड़ू मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, इसे प्लेट में ले लेंगे। अब हमारे चूरमा के लाड़ू सर्विंग के लिए रेडी है। हमने सारी होममेड चीज़ें यूज़ की है। मैंने होममेड आटा और होममेड घी का ही यूज़ किया है। जब आप किसी भी रेसिपी में होममेड चीज़ें यूज़ करते हो तो आप उस रेसिपी को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। हम इस लाड़ू को एयरटाइट डिब्बे में भरकर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसा ही फ्रेश रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।